फ्रेंड्स, आज मैं आपको चिकन करी बनाना बता रही हूँ। चिकन करी बनाने के लिए हमने हाफ के जी चिकन ले लिया है, थोड़े गरम मसाले ले लिए हैं खड़े, जीरा हाफ छोटी चम्मच, एक बड़ी इलायची, तीन छोटी इलायची, तेज पत्ता, पांच लौंग, चार काली मिर्च और दालचीनी। मसाला बनाने के लिए हमने चार बड़ी प्याज ली है, मीडियम साइज की छील ली है, अदरक का एक टुकड़ा, लहसुन फुल लेंगे, ये इसे छील के हम अलग अलग पीस लेंगे, प्याज को और अदरक लहसुन को एक साथ, दो छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर, एक प्याज को हमने बारीक काट के रखी है, नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार, हमने दो बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में, अब हम उसमें खड़े गरम मसाले डालते हैं। चिकन को अच्छे से लाल होने पर तल लेंगे, ये लाल हो रहा है, अब हम इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, इसे डालकर अच्छे से भून लेते हैं। तीन मिनट तक और इसे तेज आंच में लाल कर लेते हैं। अदरक लहसुन डाल के 3 मिनट हो गए हैं, अच्छे से लाल हो गए, अब हम इसे चिकन को निकाल लेंगे। इसी बचे हुए तेल में हम प्याज का पेस्ट डालेंगे, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और मसाले को ढककर पका लेते हैं तेल छोड़ने तक, बीच बीच में देखते भी जाएंगे इसे। मसाला भून चुका है, अब हम इसमें चिकन डालेंगे, चिकन डालकर अच्छे से भून लेते हैं, हम पानी डाल देंगे, ग्रेवी आप अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी रख सकते हैं, पानी डालकर इसे हम ढककर 20 मिनट पका लेते हैं। चिकन करी बन चुकी है, अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, गैस बंद कर देते हैं और इसे सर्विंग बाउल पर निकाल लेते हैं। चिकन करी बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप चपाती, चावल के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छा बना है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।